आज की इस लेक्चर में हम जो है ना बॉर्डर ऐडअप करना सीखेंगे। मतलब बॉर्डर हमने पिक्चर कोई ऐडअप की है तो वो किस तरह से हमने ऐड करनी है, इससे आपका पिक्चर का जो है मसला वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जो इन पेज के अपने बॉर्डर्स हैं वो तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको जूम करके बता देती हूँ। यहाँ से आप सिंपली जो है ना क्लिक करेंगे तो ऐडअप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि पिक्चर ऐडअप करनी है तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है गूगल में जा के A4 बॉर्डर जो है ना वो सर्च करके उनको डाउनलोड करके अपने रख लेने अपने पास कोई अच्छे अच्छे, उसके ऊपर उसको सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अब हमने जो है ना इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको ये रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका बॉर्डर आपने ऐड करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सिंपली सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो फाइल सेव की थी उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके तो वो मैं यहाँ पे ऐड अप कर दूँगी। इसको अगर चेंज करना है सिंपली तो आप जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं, फिर से राइट क्लिक करके तो इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास ये चेंज हो गया और ये मेरे पास बॉर्डर एक लग चुका है। अब इसकी जो है ना ये आप देख रहे हैं कि ये एडजस्ट नहीं हुआ हुआ, तो इसकी लेंथ और विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं खुद। उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो विड्थ चेंज करने के लिए, नीचे वाला लेंथ है। तो मैं जस्ट सिंपली जो है ना थोड़ी सी पॉइंट्स बढ़ा देती हूँ और ताकि ये थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए। जी, ये एडजस्ट होगी अब हम इसको खुद भी जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये है कि हमारे पास एक बॉर्डर आ चुका है, अब इस पर हम लिख नहीं सकते। लिखने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एरो पे जाना है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि अब ये देखें जो भी चीज़ सेलेक्ट हो रही है सारी सेलेक्ट हो रही है, तो हमने इसको पहले सेंड बैक कर लेंगे। हम एडिट में जाएंगे और इसको सेंड बैक कर लेंगे। सेंड बैक करने के बाद क्या होगा कि हम इसके ऊपर आसानी से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम लिख नहीं सकते, ठीक है। इसको सेंड बैक कर लेंगे तो हम इसके ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद जो है फर्दर इसमें क्या हम ऐडअप कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में बताती हूँ आपको, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने ये बॉर्डर ऐडअप करना सीखा या तस्वीर ऐडअप करना भी आप सीख कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि अभी जो हमने बॉर्डर सेलेक्ट किया है इसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से एडजस्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं इस पर लिखूँगी तो ये जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है वहीं पर लिखा जाएगा, मतलब बॉर्डर के ऊपर भी लिखा जाएगा। तो मुझे इसको मिड में एडजस्ट करना है। तो अभी मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लॉक्ड है, ठीक है, ये देखें नहीं सिलेक्ट हो रहा। तो उसके लिए हम जो है ना वो राइट क्लिक करके भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या इसको डबल क्लिक करके दो दफ़ा क्लिक करके तो ये इस तरह से इसका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो उसमें से आपने जो लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अनलॉक कर देना, अनचेक कर देना, ठीक है, और फिर इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है ना अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए ये एरो से हम पकड़ के इसको छोटा साइज इसका कर लेंगे, जहाँ पर हमने इसको एडजस्ट करना है हम वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको हम मैं IBM से पकड़ के ये जो हाथ का निशान है इससे यहाँ पे लिख सकती हूँ। और अगर आपको यही सारी सेटिंग पूरी किताब के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपने मास्टर पेज पे जाके तो फिर ये सेटिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका एक ही बॉर्डर सारा जो है ना वो चलता जाएगा पूरी किताब के लिए। लेकिन अगर आपने बॉर्डर चेंज करना है या पिक्चर्स चेंज करनी है तो फिर आपको अलग अलग से सेटिंग करनी होगी, ठीक है। लेकिन मास्टर पेज जो है ना वो उसमें कर लें तो वेल एंड गुड। अच्छा, अब हम जो है ना इसमें लिख के देख लेते हैं कि लिखा जाता है कि नहीं। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, और आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर हम एक फ़ाइनल असाइनमेंट जो है ना वो रख लेंगे।